उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला में चलाए जा रहे कायाकल्प कार्यक्रम के विस्तार, मासिक परीक्षा सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। हरिकेश मीणा ने कहा कि कायाकल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 10 जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं के विज्ञान संकाय के बच्चों को नीट तथा जेईई परीक्षाओं के लिए स्कूली स्तर पर ही बेहतर कोचिंग प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये कार्यक्रम विज्ञान संकाय वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में ही संचालित किया जा रहा था, अब इसे विस्तार प्रदान करते हुए निजी स्कूलों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और स्कूली स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारियों के लिए सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति माह परीक्षा आयोजित कर इन छात्रों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इस माह 9 अगस्त 2019 को ये परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक संबंधित स्कूलों में ही आयोजित की जा रही है, जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 7000 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इसके लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। परीक्षा संचालन में पारदर्शिता लाने तथा नकल इत्यादि की संभावना समाप्त करने के लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी स्कूलों के प्रभारियों को निर्धारित दिवस पर प्रश्न पत्र खंड स्तर पर बीपीईओ कार्यालय से प्राप्त करने होंगे और परीक्षा के उपरांत आंसर शीट भी उसी दिन वहीं जमा करवानी होंगी। परीक्षा का मूल्यांकन करने के उपरांत लगभग 3 में परिणाम घोषित कर इसका विवरण अभिभावकों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कायाकल्प कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य कर्मचारियों का समय समय पर बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हो रहा है और निजी स्कूलों के संचालक भी इसमें अपनी सक्रिय सहभागिता निभाए। बैठक में उप निदेशक जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य डाइट राजेंद्र पाल सहित सभी खंडों से बीपीईओ, बीआरसीसी तथा जिला के विभिन्न निजी स्कूलों के संचालक भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सभी राजकीय व निजी पाठशालाओं के प्रभारियों व संचालकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को नशे की बुराइयों के प्रति भी जागरूक करें और पाठशाला परिसर के आसपास अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित पुलिस अधीक्षक अजित सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में शिक्षक वर्ग, पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। पाठशाला परिसर के इर्द गिर्द अगर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां ध्यान में आती हैं तो इस बारे में पुलिस व प्रशासन को समय पर सूचित करें। इसके अतिरिक्त पाठशालाओं में बच्चों में नशे की बुराइयों व इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता लाने के लिए चित्रकला, भाषण, बात विवाद प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी करें। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए स्लोगन इत्यादि का प्रचार प्रसार करने में पुलिस प्रशासन को सहयोग देने का भी आग्रह शिक्षक वर्ग से किया। हमीरपुर जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा स्वीप कोर समिति की एक बैठक का आयोजन उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि जिला में मतदाता सूचियों को प्रारूप में प्रकाशित करने से पूर्व इन्हें त्रुटि रहित बनाने के लिए 16 अगस्त से 30 सितंबर तक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आम लोगों को मतदाता सूचियों में दर्ज उनके नामों की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं के नामों का सत्यापन करेंगे तथा छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नामों को दर्ज करने, संभावित मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करने, अपात्र मतदाताओं के नामों को सूची से हटाने एवं प्रविष्टियों को शुद्ध करने का कार्य करेंगे। मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि के सत्यापन को लेकर बूथ स्तरीय अधिकारी को आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी के लिए जारी किए गए पहचान पत्र, कृषक पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त मतदाता इस अवधि के दौरान मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 हेल्पलाइन पर भी फोन कर या अपने नजदीकी लोकतंत्र केंद्र में जाकर या स्वयं भी अपने मोबाइल नंबर पर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने तथा अपने परिवार के नामों की प्रविष्टियों को सत्यापित करवा सकते हैं। उपायुक्त ने तहसीलदार निर्वाचन को निर्देश दिए कि वे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तथा मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी का पंपलेट तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के सत्यापन के बाद जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक मतदाता सूचियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चलेगा, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए अभिहित अधिकारियों के पास निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिकों के दावे तथा आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। दावे व आक्षेप दाखिल करने हेतु प्रारूप 6, 6 क, 7, 8 तथा 8 क संबंधित निर्वाचक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में अथवा संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित कर्मचारियों से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे तथा आक्षेपों पर निर्णय लेने के उपरांत 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि जिला में समस्त मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे।